नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु। इस वीडियो के माध्यम से मैं 3D मैप के यूनिट सेटअप के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यूनिट की आवश्यकता हमें क्यों होती है? यदि आप छोटा या बड़ा कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें यूनिट दीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्ट कितना छोटा है या कितना बड़ा है तो डायमेंशन के आधार पर हम बताते हैं। लेकिन यदि डायमेंशन में यूनिट हो तो वो वाजिब बनता है, वो समझ सकते हैं कि हाँ कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो चलिए यूनिट के बारे में समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसके लिए जो है, सबसे पहले एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो ऑब्जेक्ट मेरा होगा, सबसे सिंपल लेंगे वो बॉक्स का लेंगे। हम यहाँ बॉक्स को ड्रॉ करते हैं। फिलहाल ये बॉक्स किसी भी डायमेंशन का है, किसी भी यूनिट का है। ये यूनिट्स मुझे नहीं पता है कितने यूनिट्स का ये बॉक्स है। अब जो है आप देख सकते हैं ये बॉक्स हर किसी व्यू में बन चुका है। व्यू पोर्ट में आपको दिखेगा बॉक्स। ये फ्रंट है, ये टॉप है और ये लेफ्ट है। ये हर किसी व्यू पोर्ट में आपको दिख रहा है। अब जो ही आप मॉडिफिकेशन में आएंगे, बॉक्स सिलेक्टेड है तो ये मॉडिफिकेशन में आएंगे तो इसका जो है आपको आपके आपको जो है प्रॉपर्टी दिखेगा। इस प्रॉपर्टी में जो है हम क्या करते हैं, हम 100 100 100 लेंथ विड्थ और हाइट सभी को 100 कर लेते हैं। हंड्रेड यूनिट लंबा, 100 यूनिट चौड़ा और 100 यूनिट हाइट का एक बॉक्स मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। चलिए इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट किया। अब जो है मैंने बॉक्स क्रिएट कर दिया है। मैं ये बॉक्स को सिलेक्ट करके कर रहा हूँ और मॉडिफिकेशन मेरा यहाँ मतलब सिलेक्टेड है। अब मुझे यूनिट को चेंज करना है तो यूनिट बाय डिफॉल्ट जो है, मैं दिखाता हूँ ये यूनिट सेटिंग कहाँ से होती है। यूनिट सेटअप आप देख सकते हैं, कस्टमाइज के अंदर आपको यूनिट सेटअप मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये जो है जेनेरिक यूनिट्स में सेलेक्ट होता है, जेनेरिक यूनिट होता है। अब जो है हमको, हम ये चाह रहे हैं ये यूनिट जो है मीटर, सेंटीमीटर या फीट या कोई और यूनिट जो मुझे मतलब नोन हो, वो यूनिट में ये मेरा ऑब्जेक्ट को दिखाए। यहाँ यूनिट है 100 100 100, मुझे यह पता नहीं है ये यहाँ मिलीमीटर में है या सेंटीमीटर में है या किलोमीटर में है। यहाँ ये यूनिट मतलब ये डिफाइंड नहीं है। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जैसे मैंने यहाँ जेनरिक यूनिट 100 100 100 दिया तो सिस्टम यूनिट को पहले सेट करना होगा। अब यहाँ ये देखिए 100 100 100 है, तो यानी कि अगर 100 को मतलब अगर एक यूनिट को हम सेंटीमीटर मानेंगे यहाँ, तो इसका जो यूनिट होगा 100 सेंटीमीटर लंबा, 100 सेंटीमीटर चौड़ा और 100 सेंटीमीटर ऊंचा होगा। तो फिलहाल जो है हमसे सबसे छोटा यूनिट लेते हैं मिलीमीटर का, तो ये ऑब्जेक्ट जो बनेगा 100 मिलीमीटर लंबा, 100 मिलीमीटर चौड़ा और 100 मिलीमीटर ऊंचा का ये ऑब्जेक्ट बनेगा।
तो इसको मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। मैंने यूनिट सेट कर दिया है यहाँ मिलीमीटर। ओके, अब इसको देखने के लिए यूनिट सही है कि नहीं, मैं मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैट्रिक में मैंने चूंकि यहाँ मिलीमीटर सिलेक्ट किया है, तो यहाँ मैं पहला मिलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 100 100 100 अभी जेनरिक में है। जो ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं ये 100 मिलीमीटर लंबा, 100 मिलीमीटर चौड़ा और 100 मिलीमीटर ऊंचा ये यूनिट आ चुका है। क्योंकि मेरा जो है सिस्टम का यूनिट मैंने मिलीमीटर में चेंज मिलीमीटर में सेट किया था। मैं आगे चलता हूँ यूनिट सेटअप। अब जरा इसे मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया। आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर यहाँ ये एक्यूरेट बताया। फिर जो है यदि आप चेंज करना चाहें मीटर में, तो यहाँ 0.1 मीटर होगा। 100 mm लंबा, 100 mm चौड़ा, 100 mm ऊंचा, आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये मीटर में होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा वही है, लेकिन ये सिस्टम यूनिट सेटअप के वजह से जो है इसने 100 mm लंबा, 100 mm चौड़ा, 100 mm ऊंचा का ये बॉक्स बनाया। उस हिसाब से यहाँ जो मैं यूनिट मतलब कि सिलेक्ट कर रहा हूँ, उस यूनिट को वो कन्वर्ट उसमें कर दे रहा है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ देख सकते हैं 100 mm 0.1 मीटर होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर किलोमीटर में मैं बात करूँ तो किलोमीटर मेरे समझ से दिखेगा नहीं यहाँ। ओके, क्योंकि ये 0.01 अगर मीटर 0.1 मीटर है, तो 0.1 मीटर है तो उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 0.0 ही सब दिखेगा। तो इसलिए यहाँ 0.0 ही दिख रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक इसने लिया था। मैं आगे बढ़ता हूँ। यूनिट सेटअप। अब मैं ये तो हो गया मैट्रिक। अब यूएस स्टैंडर्ड की मैं बात कर लूं, तो यूएस स्टैंडर्ड में फीट और इंच है, मतलब दो टाइप के यूनिट है। यदि आप फीट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि फीट सिलेक्ट करते हैं तो फीट में आपको डिफरेंट सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने फ्रैक्शनल इंच को इंच में मैं चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 3 इंच तो हुआ और साथ में इसने फ्रैक्शन डाल दिया। मतलब यदि मैं इसे इंच में चेंज करूँ तो 3.93 होगा इंच। अब 3.93 इंच मैं देख लेता हूँ ये कितना सेंटीमीटर है या mm है। तो इसके लिए मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे चेंज करना है इंच टू सेंटीमीटर या इंच टू mm। आप देखिए इंच टू mm मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर जो है मुझे कन्वर्ट जो करनी है, मुझे कन्वर्ट करनी है 3.93 इंच को। तो मैं यहाँ 3.93 इंच करूँगा, 3.93। आप देख सकते हैं 99.822 अप्रोक्स ये जो है 100 mm के इक्वल होगा। ये मतलब 100 mm 100 इसलिए नहीं शो कर रहा है कि ये 3.93 के बाद भी यहाँ कुछ यूनिट्स होंगे।
जो बाय डिफॉल्ट जो है टू यूनिट इसने सिलेक्ट किया और टू यूनिट्स को दिखा रहा है, इस वजह से जो है यहाँ पर मिलीमीटर का रिजल्ट जो है 99.822 है। तो ये चीज जो है एक्चुअल में ये 100 ही है। यहाँ पर ये इसने फीट में इंच में बताया। यहाँ आगे बढ़ते हैं, आगे फिर यूनिट सेटअप में। अब डेसिमल इंचेस, ओके। अब मैंने कहा था कि ये 3.93 के अलावा भी कुछ होगा, तो वो 7 था। तो यहाँ पर मैं 7 करके देखता हूँ, आप देख सकते हैं 99.998 आ गया। तो ये टेंस टू 100, परफेक्ट 100 ही होगा, कारण कि इसके बाद भी डिजिट होंगे, लेकिन मेरा जो है यहाँ पर 3 यूनिट्स तक ये दिखा रहा है। तो इस वजह से जो है मैं उसके अराउंड पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पर वो 100 ही होगा। कस्टमाइज, फिर यूनिट सेटअप, डेसिमल इंच, आगे मैं बढ़ता हूँ, फ्रैक्शनल फिट। फ्रैक्शनल फिट में अगर चेंज करूँ मैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फिट में कन्वर्ट किया, तो फिट में जो है इसकी वैल्यू 32/100 फिट में होगी। यदि आप इसे चेंज करेंगे तो 0.32। अब यदि फीट को हम यहाँ फीट को एमएम में चेंज करेंगे, फीट को एमएम में यदि चेंज करेंगे तो 0.32, 0.32। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में ये 32 के बियॉन्ड भी ये डिजिट होंगे, डिजिट होगा जो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। तो एक्चुअल में ये 100 है, तो आप देख सकते हैं ये 100 के अराउंड ये वैल्यू आ चुका है। फिर मैं कस्टमाइज में यूनिट सेटअप देखता हूँ। यूनिट सेटअप में डेसिमल फिट्स, ओके, डेसिमल फिट में 0.328 है, तो मैंने बताया 0.32 नहीं, उसके बाद भी वैल्यू है, तो 0.328 मैं करके देखता हूँ यहाँ, 328। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 3 डिजिट तक, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिया, ये वैल्यू जो है 100 के करीब हुआ। इसके बाद ये अगर चौथा प्रिसाइजन लूंगा तो ये 100 मतलब ही होगा, और यदि ये डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट तक हो तो उस केस में आप देख सकते हैं ये 100 तो नहीं, टेंस टू 100 होगा, लेकिन एक्चुअल में वो वैल्यू 100 ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम, यहां से यूनिट सेटअप, डेसिमल फीट देखा, फिर फ्रैक्शनल इंचेस, फीट फ्रैक्शनल इंचेस, ओके। यहाँ देख सकते हैं सेम टू सेम वही, यहाँ जो है फिट भी आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 100 mm है, तो 100 mm यानी 10 cm, तो यहाँ 0 फिट और इतना इंच ये डिस्प्ले कर रहा है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो 100 के अराउंड ही आएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर 3 डिजिट तक आ गया इंच का। आगे मैं चलता हूँ, इसके बाद जो है
यदि इंच के आप इंच में भी इसको करके देख सकते हैं, प्रिसाइज आया, फ्रैक्शनल इंच आ गया, डेसिमल इंच आ गया, आपको जैसे मर्जी हो अगर यूनिट सेट करना हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अब मैं जो है कस्टम यूनिट सेट करने जा रहा हूँ। ये कस्टम यूनिट क्या होता है? ये यूजर के द्वारा खुद के का बनाया हुआ यूनिट है। तो इसे सेट करने के लिए मैं कस्टम पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ यूनिट कोई जरूरी नहीं है कि FL ही हो। यहाँ पर आप यदि आम इमली कुछ भी मतलब लिख दे वो आपका यूनिट होगा। मान लिया जाए मैंने आम मैंने डाला। अब जो है यहाँ पर उसके अनुसार जो है यदि फिट करूँगा तो फिट से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ मिलीमीटर करता हूँ। इसका भी यूनिट मिलीमीटर रखा और इसका मैंने यहाँ 1 डाला, ओके किया। तो आप देख सकते हैं जो जेनरेट वैल्यू था वही यहाँ डिस्प्ले हो गया और जो यूनिट मैंने डाला था वो यूनिट यहाँ आपका प्रेजेंट है। जैसे मैंने आम डाला तो ये आम यूनिट है। तो ये जो है यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है। फिर से मैं इसे देखना चाहूंगा। तो यूनिट सेटअप यहाँ पर जैसे यदि मैं 2 यदि करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 100 100 100 यूनिट है, वो 50 50 और 50 में ये चेंज हो चुका है। इस तरह से जो है आप खुद से जो है इसमें यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। और जनरल एक यूनिट से तो आपको परिचय ही होगा ही, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है जब भी मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा या आप लोग ओपन कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट ये जेनरिक वैल्यू ही शो करता है। तो ओके करते ही आप देख सकते हैं वापस 100 100 100 के फॉर्म में आ चुका है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को यूनिट सेटअप क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।